नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के युवाओं को 25 लाख रुपए तक मिलेगा लोन, बेरोजगारी होगी कम, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। खतियानी जोहर यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को गढ़वा के टाउन हॉल के मैदान से किया। इस मौके पर उनके साथ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित थे। खतियानी जोहर यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के लिए 5 से 25 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध करा रही है, इससे बेरोजगारी कम होगी। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि 20 सालों का जख्म 3 साल में नहीं भरा जा सकता, इसके लिए और समय की जरूरत होगी। कहा कि अगले साल राज्य सरकार राज्य के सभी जिला मुख्यालय में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त एक स्कूल खोल रही है, इससे गरीब के बेटे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रखंड और पंचायत स्तर पर यह व्यवस्था की जाएगी। कहा कि सावित्रीबाई फुले योजना के तहत बालिकाओं को हर माह 4,000 रुपये मिलेंगे और 18 साल के बाद एक मुफ्त 40,000 रुपये सरकार देगी। इसके बाद आगे की पढ़ाई भी राज्य सरकार कराएगी। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और रहने खाने के लिए भी राज्य सरकार व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा ओबीसी आरक्षण और 1932 का खतियान पारित किया गया, यह विपक्षों के छाती पर कील के समान है। इसके बुकलाहट से भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ साजिश कर रही है और ईडी तथा सीबीआई का लेकर राज्य सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है। श्री सोरेन ने कहा कि उन्होंने 3 सालों में जो विकास की लंबी लकीर खींची है उसे विपक्षी 7 जन्मों तक पूरा नहीं कर सकते। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड वीरों की भूमि रही है और नीलांबर पीताम्बर, फेतल सिंह खरवार, जेठन सिंह, सिद्धो कानू तथा दिसम गुरु के 30-35 वर्षों के संघर्ष के बाद अलग राज्य हमें मिली है। उपरोक्त वीरों ने सामंती सोच के खिलाफ लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, उसी के परिणाम स्वरूप हमें अलग राज्य मिला। लेकिन राज्य मिलने के बाद सामंती विचारधारा वाले लोगों के हाथ में सत्ता चली गई और झारखंड को लूटने के लिए दिल्ली और गुजरात में योजनाएं बनी। उन लोगों ने 20 सालों में राज्य को लूट कर खोखला कर दिया। मंत्री ने कहा कि उनके ही शासन काल में खाद घोटाला, बीज घोटाला, खेल घोटाला, कमल घोटाला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार जो है श्री बंसीधर महोत्सव का आयोजन राज्य सरकार के द्वारा कराया जाएगा। गुजरात इलेक्शन रिजल्ट को लेकर झारखंड के बीजेपी में जश्न का माहौल। पूर्व सीएम रघुवर बोले, पार्टी ने फिर रचा इतिहास। गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। झारखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गुजरात की जनता को बीजेपी पर विश्वास जताने के प्रति आभार जताया। आप सबको बता दूं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि गुजरात ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। कहा कि पीएम मोदी के विकास मॉडल पर गुजरात की जनता ने मुहर लगाई है, यह लोगों को मान सम्मान और आत्मविश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि इस विराट विजय के लिए गुजरात की देवतुल्य जनता और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बधाई है। वहीं झूठ, फ्रेप और फ्री की राजनीति को गुजरात की जनता ने नकार दिया है। वहीं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गुजरात में मिली प्रचंड बहुमत उन सारे आलोचकों को करारा जवाब है जो कल तक मुफ्त की रेवड़ी बांटने की राजनीति को ही आदर्श बताते फिर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज जो है गुजरातियों ने पूरे स्वाभिमान के साथ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विकास की राजनीति पर अपनी मुहर लगाई है। वहीं रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि हम इतिहास बनाते हैं। कहा कि गुजरात की जीत सिर्फ भाजपा की जीत नहीं है बल्कि गुजरात के हर स्वाभिमानी मतदाता की जीत है। गुजरात में पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर जनता ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीति और कार्यों के प्रति अपने विश्वास को और मजबूत किया है। झारखंड के शिक्षक स्कूल अवधि में अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे बाहर, शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। झारखंड के सरकारी विद्यालय के शिक्षक अब विद्यालय अवधि में किसी प्रकार का रिपोर्ट जमा करने या किसी अन्य कार्य के लिए बाहर नहीं जाएंगे। शिक्षकों को अब किसी कार्य को लेकर प्रखंड या जिला कार्यालय नहीं जाना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को दिशा निर्देश भेजा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रतिमा होने वाले गुरु गोष्ठी के अलावा प्रखंड कार्यालय नहीं जाएंगे। कार्यालय जाना यदि आवश्यक हो तो इसके लिए पहले अनुमति लेने को कहा गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को नियमित रूप से विद्यालय का निरीक्षण करने को कहा गया है।
इधर जो है विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा माता समिति के माध्यम से मध्याह्न भोजन का संचालन पूर्व की भांति किया जाएगा। विद्यालय अवधि में कोई भी शिक्षक मध्याह्न भोजन से संबंधित सामानों के क्रय विक्रय भंडारण समेत किसी अन्य प्रकार के कार्य के लिए नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि राज्य के वैसे विद्यालय जहाँ केवल एक शिक्षक है, उन विद्यालय के शिक्षक के अवकाश पर रहने की स्थिति में बीआरपी या सीआरपी को विद्यालय का प्रभार दिया जाएगा। बीआरपी सीआरपी कक्षा से लेकर मध्याह्न भोजन संचालन के कार्य करेंगे। शिक्षकों को अवकाश की जानकारी संबंधित जिला के जिला डीओ या डीएससी को देना होगा। शिक्षक को व्हाट्सएप पर अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों को आयोग ने फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने का दिया अंतिम मौका। झारखंड सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के 5,166 अभ्यर्थियों को फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने का अंतिम अवसर मिला है। उक्त अभ्यर्थियों को 16 दिसंबर की मध्य रात्रि तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर लिंक भी उपलब्ध कर दिया गया है। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद संतुष्ट होने पर अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कर लें ताकि भविष्य में काम आ सके। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए आयोग द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब जो है आगे भी समय नहीं बढ़ाया जाएगा। आप सबको बता दूं कि जेएसएससी ने उक्त अभ्यर्थियों को आवेदन पूर्व में रद्द कर दिया था। इसका मुख्य कारण था कि इन्होंने परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद अपना फोटो व हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया था। परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए जल्द करें रजिस्ट्रेशन। परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण की घोषणा कर दी गई है। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जनवरी 2023 में इसका आयोजन होगा। इसमें देशभर से चुने गए विद्यार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने की सीख भी देंगे, साथ ही शिक्षा और करियर से जुड़े सवाल पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों और शिक्षकों से भी वार्ता होगी, जहां बच्चों के सपने और लक्ष्य को पूरा करने की संभावना पर सलाह दी जाएगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में चयन को लेकर ऑनलाइन क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन का आयोजन होगा। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक में अध्ययनरत स्कूली विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक भी शामिल हो सकेंगे। इच्छुक प्रतिभागी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट http://inviteindia.myGOV.in/ppc2023 के जरिए 30 दिसंबर तक कर सकेंगे। प्रतियोगिता के सफल 2050 विजेता प्रतिभागियों को एनसीईआरटी की ओर से प्रशंसित पत्र और एग्जाम वॉरियर बुक दी जाएगी। इसके अलावा जो है विद्यार्थी अपने सवाल भी प्रधानमंत्री को भेज सकेंगे। प्रश्नों का चयन एनसीईआरटी की ओर से किया जाएगा। स्कूल प्रबंधकों को संस्था के सोशल मीडिया हैंडल से कार्यक्रम की जानकारी साझा करने की बात कही गई है। झारखंड में फिर गिरेगा पारा, चल सकती है शीतलहर, जाने अगले 4 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में बने निम्न दबाव का आंशिक असर झारखंड पर पड़ेगा। रांची व आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो बंगाल की खाड़ी में बढ़ रहे निम्न दबाव और इससे उठे चक्रवात के तमिलनाडु में टकराने से 9 दिसंबर की रात को झारखंड के कई इलाकों में बादल छाएंगे। इससे 9 और 10 दिसंबर को झारखंड के मौसम में बदलाव का अनुमान है। आप सबको बता दूं कि 9 दिसंबर की सुबह यानी कि आज जो है कोहरा छाए रहेगा और हवा चलने से ठंड बढ़ेगी। बादल के चलते रात में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी से 11 दिसंबर से झारखंड में और पारा गिरने की संभावना है। इससे झारखंड में शीतलहर चल सकती है। आप सबको बता दूं कि झारखंड में सबसे अधिक ठंड पलामू में पड़ रही है। यहां पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के करीब पहुंच गया है। राज्य के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इसके अलावा संथाल परगना और कोल्हान के हिस्सों में न्यूनतम तापमान लगभग 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं सबसे अधिक तापमान जमशेदपुर में दर्ज किया गया है। यहां पर 28.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस है। वहीं राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रांची के जेएससीएस स्टेडियम में 27 जनवरी को होगा भारत और न्यूजीलैंड का T20 मुकाबला। बीसीसीआई ने जारी किया है शेड्यूल। झारखंड की राजधानी रांची को अगले साल जनवरी में एक और T20 इंटरनेशनल की मेजबानी मिली है। यहां भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 जनवरी को एक T20 मुकाबला खेलेगा।
बीसीसीआई ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले घरेलू सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है। न्यूजीलैंड को भारत दौरे के दौरान 3 वनडे और 3 टी20 सीरीज खेलनी है। दौरे की शुरुआत वनडे सीरीज से होगी। बीसीसीआई ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को 27 जनवरी को होने वाले मुकाबले की तैयारी करने के लिए कहा है। टिकट की दरों की अभी घोषणा नहीं हुई है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले भारत इस स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक वनडे मुकाबले में भिड़ा था। भारत उस मुकाबले में जीता था। उस समय लोकल बॉय ईशान किशन को पहली बार अपने होम ग्राउंड में इंटरनेशनल मुकाबले खेलने का मौका मिला था। आप सबको बता दूं कि रांची के जेएसएससी इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक कई मुकाबले खेले जा चुके हैं। इस स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल के भी कई मुकाबलों की मेजबानी की है। इस स्टेडियम में पहला इंटरनेशनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच 19 जनवरी 2013 को खेला गया था। स्टेडियम की क्षमता करीब 40,000 दर्शकों की है। इस स्टेडियम में पहला टी20 इंटरनेशनल 12 फरवरी 2016 को भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। आखिरी टी20 मुकाबला 19 नवंबर 2021 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। नक्सली विनोद मुंडा की निशानदेही पर केराडारी जंगल से राइफल बरामद। हजारीबाग पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। माओवादी संगठन का राइफल हजारीबाग पुलिस ने बरामद कर लिया है। यह जानकारी सीसीआर डीएसपी आरिफ अकरम ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि केराडारी थाना कांड संख्या 140/22 को आर्म्स एक्ट एवं सीएल एक्ट में पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपी विनोद मुंडा उर्फ चंदन गांव ग्राम बुचाडी थाना केराडारी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर एसपी मनोज रत्न चौधरी ने छापामारी दल का गठन किया था। गठित छापामारी दल ने केराडारी थाना के लाजिदम जंगल में सर्च अभियान चलाया। जंगल में एक सुखवा पेड़ के नीचे काला प्लास्टिक में मिट्टी दबा कर रखा 303 बोर का राइफल और खाली लोड की हवा मैगजीन बरामद किया है। साइबर अपराधियों ने कई जिलों के डीएसओ का लॉगिन किया हैक। झारखंड में राशन कार्ड बनना बंद। देवघर जिले के डीएसओ का लॉगिन हैक कर बीएसओ लॉगिन बनाकर राशन कार्ड जारी करने का मामले के खुलासे के बाद दूसरे जिलों से भी ऐसे मामले सामने आए हैं। साइबर अपराधियों ने देवघर के अलावा हजारीबाग एवं गिरिडीह डीएसओ का लॉगिन भी हैक कर भारी मात्रा में ग्रीन राशन कार्ड पीएचएच में बदल दिया है। इसके बाद जो है राज्य मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के डीएसओ के लॉगिन को बंद कर दिया गया है। साइबर अपराधियों ने गिरिडीह में 2500 और हजारीबाग में 1014 ग्रीन राशन कार्ड को पीएचएच में तबलीत कर दिया है, जबकि राज्यभर में पीएचएच बनना अभी बंद है। फिलहाल राज्यभर में नए राशन बनने का काम भी बंद हो गया है। पीडीएस सिस्टम को अपडेट करने के बाद इसे दोबारा चालू किया जाएगा। यह जानकारी देवघर जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमित कुमार ने दी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।